जय हिंद साथियों, मैं विवेश एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एग्जाम पुर पे आपका सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं एमपी में जो हमारी वैकेंसी है कृषि विस्तार अधिकारी की, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी आप जानते हैं 2 से 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। और परसों के टाइम पे मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर का एग्जाम, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा पेपर था वो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, और उसी की बिहार पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को सीखते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अप्रोक्स 80 डेज का जो कोर्स है ये एग्रीकल्चर वाला, आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर का कोर्स एक ब्रॉड स्तर पर है, यानी कि एक बड़े स्तर पर कोर्स है, क्योंकि 100 क्वेश्चन अकेला कवर कर रहा है सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर, और जो ए पार्ट है उसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस हिंदी इंग्लिश प्लस कंप्यूटर आपका इंक्लूड कर दिया गया है। और पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था तो उसमें कंप्यूटर नहीं आया था, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन अप्रोक्स रहेंगे। उसी की बिहार पर हम आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा एक बैच लेके आए, जिसका नाम उन्नति है, आप जैसा कि जानते ही हैं। और सर ने बाकी हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, जो कि कंपनी है, यहाँ पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी उस बैच के बारे में। और आप लोग एक काम करिएगा, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया है परसों, आप उसको भी एक बार उसकी मैराथन देखिएगा, लगभग 1.5 से 2 घंटे के अप्रॉक्स उसकी मैराथन है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमसे सारे लोग जुड़ पाए, और जुड़ने के बाद में यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन को या फिर हमारे साथ में चीजों को सीख पाए। बस यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारी पहले की क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हम बात कर चुके थे भारतीय कृषि की, भारत में कृषि की, भारतीय किसान की, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात भी हम कर चुके थे। आयुष शर्मा, हेलो हेलो, सबको मेरा हाय, हेलो, नमस्कार, सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि कि लोग हमसे जुड़ पाए। और उसी बिहार पे हम आज बात कर लेते हैं आगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, उसी में हमने एग्रीकल्चर को जाना, एग्रीकल्चर के बाद एग्रोनॉमी को जाना, तो रिवीजन के साथ में हम चीजों को आगे साथ में लेके चलते रहेंगे, जिससे कि आप पीछे का पढ़ाया हुआ भी ना भूले और आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर पर चलती रहे, जिससे कि आपका जब भी कभी एग्जाम हो तो आपसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर का कोई सा भी कैसा भी हो ना छूटने पाए। इसीलिए साथ में जुड़े रहिए, चीजों को साथ में धीरे धीरे सीखते रहिए। देखिए सिलेबस बड़ा है, आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आपको दूंगा, आप फटाफट रट के याद करके पेपर में जाके आंसर ठोक कर चले जाएंगे और बन जाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी, ऐसा नहीं है। हम चीजों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आप मेरे साथ चीजों को सीखिए। उसके बाद में जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई दी जा रही है आपकी, या फिर आपको जो पीडीएफ मिल रही है उसको भी आप देखते रहिए। और अगर आपने पुरानी, यानी कि हमारी जो प्रीवियस क्लासेस को नहीं लिया है, तो एक बार एमपी एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पे, ऑफिशियल चैनल पे आप जाइए और वहां पे जाके हमारे जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसको एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद में आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी कारगर रहने वाली है। सुनील कुमार जी, गुड आफ्टरनून, सभी को मेरा नमस्ते। बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि हम बात कर चुके थे, आज देखिए पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, डिफरेंट। देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से पढ़ाई की है, एक बार मेरी तरह से पढ़ के देखो। अब मेरा मानना क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी रटने वाली चीजें हैं, जैसे आपको सीड रेट रटनी पड़ेगी, टेम्परेचर रटना पड़ेगा, बहुत चीजें समझाने वाली भी हैं, लेकिन हर चीज में आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी मेमोरी में आपको याद रखना पड़ेगा। तो हर चीज समझने वाली चीजों को हम समझते जाएंगे, लेकिन जो याद करने वाली चीजें हैं उसको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, चीजों को जब हम बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, उनकी फोटोज देखेंगे, उस चीजों को बार बार आंखों के सामने से गुजारेंगे, लिखेंगे, तो चीजें हमें याद रहेंगी। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने चीजें पढ़ ली और बस पढ़ने के बाद आपको याद हो जाए, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि हम चीजें पढ़ते हैं हमें सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन चीजें याद रखने का तरीका बस यही होता है कि बार बार उसको आप अपनी आंखों के सामने से गुजारिए, उसके बाद में लिखने का प्रयास करिए। 10 बार पढ़ने से अच्छा आप 4 बार पढ़िए और 5वीं बार लिखने की कोशिश करिए, चाहे वो सीड रेट हो गई या फिर किसी या फिर कोई और तरीके के क्वेश्चंस हो गए। खैर हम लोग ऐसे बातें नहीं करेंगे ज्यादा, टाइम कमी होता है, तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब देशराज भार्गव जी, हेलो। देखिए जैसा कि आपने जानते हैं,
हमने आपसे बात की थी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आज का जो पढ़ने का तरीका रहेगा, आप यहाँ पे सिर्फ स्लाइड्स को देखते जाइए जो यहाँ पे पिक लगी हुई है, और इन फोटोज के अकॉर्डिंग हम बात करते रहेंगे। सारा का सारा रिविजन यहीं पे करके जाएंगे, और चीजें आपको सारी चीजें जो हमारी पुरानी क्लास की थी उसको यहीं पे याद करवा के जाएंगे। देखिए टाइम कम है, बार बार चीजों को पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास सर। तो इसीलिए मेरे दोस्त साथ में बने रहिएगा और चीजों को समझते रहिएगा। देखिए जब हमने बात की थी कृषि के विकास की, तो मैंने आपको बताया जैसा कि हमारा जो मानव था बहुत साल पहले, अवधारणाएं हैं लोगों की लगभग 35,000 वर्ष पहले जो हमारा मानव था उसका उद्भव हुआ था, तो उसके बाद में धीरे धीरे उसका उद्भव होता चला गया, और होने के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे से चीजों का आना शुरू हुआ। कभी हमारे पास लोहा नहीं था, कभी कुछ नहीं था, तो धीरे धीरे चीजें हमारे सामने आती गईं, और चीजें आने के बाद में हम धीरे धीरे इन चीजों को सीखते रहे, और सीखने के बाद में आपको समझ में आया लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व मतलब सर्वमान्य अवधारणा थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि जो मानव था एक बंदर का विकसित रूप था, यानी कि मानव जब उद्भव नहीं हुआ था तो बंदर की तरह था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये लगभग आपको बंदर की तरह लग रहा होगा, यानी कि मंकी की तरह लग रहा होगा। तो आप याद रखिएगा जब धीरे धीरे उद्भव होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, धीरे से मानव ने सीधा चलना सीखा, फिर लगातार चलना सीखा, और लगातार चलने के बाद में चलने के साथ साथ उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति आ चुकी थी। तो आप याद रखिए जब मानव सीधा चलना जान रहा था, जब सीधा चलना उसने शुरू किया, तो हमने उसको जावा मैन कहा, तो हमने उसे जावा मैन कहा, और जावा मैन के साथ में एक बार देखिए हमने उसे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कहा, जिसका मतलब था सीधा, और उसके बाद में हमने उसे क्रोमैग्नन कहा, और क्रोमैग्नन के बाद में, यानी कि क्रोमैग्नन का मतलब था यहां पे लगातार सीधा, उसके बाद में हमने इसे होमो सेपियंस कहा, जिसका मतलब था लगातार सीधा चलने के साथ, सीखने की प्रवृत्ति उसमें आ चुकी थी। तो हमने इसे तीन पार्ट्स में बांटा, जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट जो था वो है हमारा होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद में इसको हमने क्रोमैग्नन कहा, और क्रोमैग्नन के बाद में हमने इसे होमो सेपियंस कहा, और जब हमने इसे क्रोमैग्नन कहा तो ये सिर्फ सीधा चलता था, उसके बाद में जब इसने लगातार सीधा चलना शुरू किया तो हमने इसे क्रोमैग्नन कहा, और जब सीधा ही चलता था तो होमो इरेक्टस कहा, और इसमें जब सीधा चलने के साथ, यानी कि लगातार सीधा चलने के साथ में सीखने की प्रवृत्ति आ गई, तो हमने इसे होमो सेपियंस का नाम दे दिया था। बात कर लेते हैं आगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा जावा मैन या फिर होमो इरेक्टस था, ये हमारा क्रोमैग्नन था, और आप देख रहे होंगे इस इंसान को, इसकी फोटो देखिए एक बार, अगर इसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, सीखने की प्रवृत्ति नहीं होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बैग लेके चल रहा है, तो इसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, तभी तो ये व्यवसाय कर पा रहा है, कोई काम कर पा रहा है। तो जब मानव में सीधा लगातार सीधा चलने के साथ में सीखने की प्रवृत्ति आ गई तो हमने इसे होमो सेपियंस का नाम दिया, अर्थात हम इसे होमो सेपियंस कहेंगे, यानी कि हम इसे होमो सेपियंस कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब देखिए मैंने फिर आपको एक चीज और बताई थी, जब धीरे धीरे मानव का उद्भव होना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं उसको खाना खाने की जरूरत पड़ी, और जब उसे खाना खाने की जरूरत पड़ी और हुआ क्या था, जब मानव जो था वो जंगल में रहता था, अपना जो जीवन था जंगली तरीके से व्यतीत कर रहा था, यानी कि आदिम मानव जो था वो जंगल में ही रहता था, और जब वो जंगल में रहता था तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसे खाना आना चाहिए, खाना तो इंसान को खाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब उसने धीरे धीरे सोचा कि हमको तो फसल उगाना चाहिए, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे फसलों को उगाना शुरू किया।
धीरे धीरे फसलों को उगाना शुरू किया, लेकिन लोहा न होने की वजह से उसका जो प्रोडक्शन था उसका प्रोडक्शन बहुत कम था। और प्रोडक्शन जब कम था तो होता क्या है, जहां पे 4 लोग रहेंगे वहां पे अनाज की आवश्यकता कम होगी, लेकिन जहां पे 40 लोग रहेंगे वहां पे अनाज की आवश्यकता ज्यादा होगी। और मानव ने इकट्ठा रहना साथ में क्यों शुरू किया, क्योंकि क्या होता था, मानव जब अकेला रहता था तो जंगली जानवर जो खूंखार थे, यानी कि जब मानव जंगल में रहेगा तो वहां पे जंगली जानवर भी हुआ करते थे, और वो जंगली जानवर अटैक कर दिया करते थे और मार देते थे मनुष्य को। तो लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इकट्ठा झुंड में रहना शुरू कर दिया। और जब झुंड में रहना शुरू किया तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ी, उनकी इच्छाएं बढ़ी, और इच्छाओं के साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि हुई। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनको प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ी, यानी कि प्रोडक्शन उनको ज्यादा चाहिए था, लेकिन उस समय प्रोडक्शन ज्यादा नहीं था। और प्रोडक्शन ज्यादा नहीं था फिर भी अपना जीवन वो यापन कर रहे थे। और उसके बाद में उन लोगों ने बकरी और भेड़ पालन शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको परसों मेंशन कर दिया था कि अगर आपसे एग्रीकल्चर की बिहाद पे पूछे कि हमारा पहला डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है, तो आप बताएंगे कि डॉग है, यानी कि कुत्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि उन लोगों ने भेड़ और बकरी पालन शुरू कर दिया था। और इसके बाद में जब उन्होंने भेड़ बकरी पालन शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उन लोगों को भेड़ से जैसे थोड़ी सी ऊन प्राप्त होने लगी, बकरी से उन्हें दूध प्राप्त होने लगा, और जो कुत्ता था जो उन्होंने पाल रखा था वो उनकी मदद शिकार में भी करता था। इसके साथ में शिकार से मदद करने के बाद में उनकी भी सुरक्षा के काम आता था, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुत्तों का पालन यानी कि डोमेस्टिक ऑफ एनिमल हमारे यहाँ अब भी प्रचलन है, और हमारे यहाँ अब भी लोग कुत्तों को पालते हैं। जब खाना वो उन्हें खिलाते हैं तो वो रक्षा भी उन्हीं की करता है, उनके गेट की रक्षा करता है, दरवाजे की रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। तो जानवरों का जो पालन है वो कई सारे सालों से यानी कि हमेशा से चला आ रहा है। इसके साथ में जब क्या था, प्रोडक्शन अच्छा नहीं था तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय हमारे पास लोहा नहीं था, लेकिन जब हमारे पास लोहा आया यानी कि फेरस आया, लोहा आया, उसके बाद एक क्रांति सी आ गई। और वो क्रांति ऐसी आई कि उसने क्या किया, हमारे पास संसाधन कम थे उस टाइम पे, लेकिन जब लोहा आ गया तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा ट्रैक्टर है जो कि ट्रैक्टर से काम कर रहा है खेत में। लेकिन एक बात बताइए, अब जैसे इसके पास तो ट्रैक्टर है तो ये काम कर पा रहा है, लेकिन ये एक साधारण मनुष्य है जो कि बैलों से अपने खेत की जुताई कर रहा है, बैलों से अपने खेत का काम करवा रहा है। तो आप एक बात बताइए, जितना काम ये ट्रैक्टर वाला इंसान कर सकता है क्या उसका आधा भी काम ये मनुष्य कर पाएगा? जाहिर सी बातें नहीं कर पाएगा। और जब लोहा आया तो धीरे धीरे संसाधन हमारे पास बनते चले गए, और जब संसाधन अच्छी तरीके से बन गए तो फसलोत्पादन में थोड़ी ग्रोथ हुई, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक साइंटिस्ट उभर के आते हैं, जिसकी बात हम आगे आपसे करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर ये बैलों से काम करेगा तो एक दिन में ट्रैक्टर वाले की अपेक्षा आधा भी काम शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी यानी कि इसकी क्षमता ज्यादा होगी। तन्नु चौधरी, आपको मेरा गुड आफ्टरनून। सब लोग ध्यान से समझते जाइए एक बार चीजों को, और अगर आपने शुरू से लाइव क्लास नहीं देखी है तो आप अपनी क्लास को बैकवर्ड करिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है। पढ़ाई का तरीका, इससे अच्छा तरीका पढ़ने का, डेफिनेशंस का, चीजों को याद करने का, इससे अच्छा तरीका शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ये मत समझिए कि अगर आपकी YouTube पे फ्री क्लासेस चल रही है तो इस क्लासेस का कोई महत्व नहीं है। आप एक बार चीजों को देखिए, समझते जाइए, महत्व आपको अपने दिमाग में खुद समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बात कर ली थी, उसके बाद में हम अगर आगे आपसे बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये मनुष्य कम कर पाएगा काम, ये ज्यादा करेगा, क्योंकि इसके पास लोहा है, लोहे की प्राप्ति है, लोहे की प्राप्ति के साथ साथ इसके साथ में ट्रैक्टर है इसके पास में, और ये ट्रैक्टर से कहीं ना कहीं काम ज्यादा कर सकता है, इसके बाद में अब हमारे पास ट्रैक्टर भी आ गया। हमारे पास जब लोहा आया तो हमारे पास ट्रैक्टर भी आ गया, लेकिन ट्रैक्टर आने के बावजूद भी हम क्या कर रहे थे, फसलों का उत्पादन धीरे धीरे कहीं ना कहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन क्षमता कम थी। लेकिन कृषि विज्ञान की नींव पड़ चुकी थी, क्योंकि कृषि विज्ञान का यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब ही है, देखिए, एग्रीकल्चर। तो आप देख, याद रखिए, इसको हम दो शब्दों में, यानी कि दो जो हमारे हैं वो लैटिन शब्द हैं, तो आप याद रखिएगा, एक का मतलब है एग्रिक का मतलब हुआ सॉइल, और कल्चरा जिसका मतलब है कल्टीवेशन।
कल्चरा जिसका मतलब है कल्टीवेशन, मृदा का मतलब हो गया सॉइल, का मतलब हो गया मृदा, उसके बाद में कल्टीवेशन का मतलब हो गया निकाई गुड़ाई जैसी क्रियाएं। तो बस यहीं से हमारी एग्रीकल्चर की नींव पड़ी, उसके बाद में मृदा का इन लोगों ने निकाई गुड़ाई शुरू कर दी, तो यहीं से नींव पड़ी कृषि विज्ञान की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बात आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर जो है हमारा एक लैटिन शब्द है, और जिसमें एग्रिक का मतलब हुआ सॉइल यानी कि मृदा, और कल्टीवेशन का मतलब है, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन यानी कि मृदा में की गई क्रियाएं। और वो क्रियाएं क्यों की गई? ताकि उन्हें फसलोत्पादन अच्छा प्राप्त हो, और फसलोत्पादन जब अच्छा प्राप्त होगा तो वो अपना पेट भर पाएंगे और अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर आपका ही परिवार है, उसमें 10 लोग रहते हैं, तो आपको 10 लोगों के अनुसार राशन तो चाहिए खाने के लिए। और उस समय जब राशन नहीं था तो लोगों को परेशानियां थी, लेकिन जब लोहा आया तो लोहे के साथ उत्पादन थोड़ा बढ़ा, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ा जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था। अब देखिए, बात करते हैं आगे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का काम तो चलता रहा और एग्रीकल्चर को हम लोग करते रहे, लेकिन हुआ क्या, अब एक बात समझिए आप लोग। अब हमें क्या करना था, फसलों उत्पादन को बढ़ाना था। तो आप याद रखिएगा, यहीं से हमें एक चीज मिलती है एग्रोनॉमी, जिसमें एक एग्रो है, एक का मतलब है एग्रस, दूसरा का मतलब है नॉमस। एग्रोस का मतलब हो गया क्षेत्र, और नॉमस का मतलब हो गया टू मैनेज, यानी कि क्षेत्र टू मैनेज का मतलब हो गया प्रबंधन करना। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा एग्रोनॉमी शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एक बात और आप लोग एक बार और देखिए, मैंने जो बताया उसको भूल जाइए, एक बार आप इस चीज पे आइए। देखिए, थोड़ा थोड़ा काम होता रहा, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन की कमी थी, तो उसके लिए क्या हुआ, अब हमारे पास एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हो गई। और एग्रोनॉमी की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए आप लोग इस बार देखिए एक बात को। अब आप इन फोटोज को देखिए, अब देखिए, कोई ये व्यक्ति है जो अपनी मृदा में, अपनी जो भूमि है, अपने क्षेत्र में क्रियाएं कर रहा है। कैसी क्रियाएं कर रहा है? ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिससे उसे फसलों उत्पादन की प्राप्ति हो, निकाई गुड़ाई आदि क्रियाएं कर रहा है, अपने क्षेत्र का प्रबंधन कर रहा है। जो क्रियाएं हैं उसे प्रबंध ही तो बोलेंगे। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको एक सिस्टम के हिसाब से ही तो करते हैं। अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब तो हमें अच्छा वो काम होगा ना हमारा, चाहे वो मानव जीवन का हो या फिर कृषि प्रणाली का क्यों ना हो। तो आप देखिए यहाँ पे, अब ये कोई मानव है अपने खेत में क्रियाएं कर रहा है। जब ये क्रियाएं कर रहा है तो आप इसको देख रहे हैं कि ट्रैक्टर, इसके पास जो भी मशीन है, इसको ये कहीं ना कहीं से लेके आया होगा, कोई रास्ता होगा। और आप देख रहे होंगे इसके खेत में पानी भरा हुआ है, ये जो है पानी भरा हुआ है, और या जब इसमें पानी भरने की जगह थी, पानी लेके आया होगा, बहुत सारी नालियां बनाई होंगी, प्रबंध बहुत सारे किए होंगे, तो इसमें क्या होगा, पानी निकलने की भी जगह होगी खेत में से। समझिए बात को, इसमें से पानी निकलने की भी जगह होगी। अगर कोई क्षेत्र प्रबंधन कर रहा है अपना, तो उसमें सारे प्रबंधन करेगा, पानी लाने की भी जगह रखेगा, पानी निकालने की भी जगह रखेगा। सोचिए, जैसे कि आज हमने अपने, आपका ही अगर खेत है, आपने उसमें पानी लगाया, दिन में आप पानी लगाए, घर पहुंचे, अच्छे खासे बैठे देख रहे थे, खिड़की से झांक के देखा तो बारिश हो रही थी, सोचा अरे यार ये क्या हो गया,
तो आपने यार ये सोचा कि यार हम तो अभी पानी लगा के आए खेत में, अब तो हमारी जब हमारी क्रॉप में बहुत ज्यादा पानी लग जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी फसल खराब हो जाएगी। तो आपने आपके दिमाग में आया कि अरे यार मैं तो काम प्रबंध करके आया हूँ, कल मैं जब जाऊंगा तो उसको उसकी जो मेड़ मैंने जो बना रखी है वहां पे उसको मैं खोल दूंगा या फिर उसको काट दूंगा, जिससे कि मेरे खेत में जो एक्स्ट्रा पानी भर गया है वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और यही निकलना जो आपके माइंड में ये बात आई कि मैं प्रबंध करके आया हूं तो मैं पानी निकाल सकता हूं, बस आप याद रखिए यही हमारा एक तरीके का प्रबंधन हुआ, यही हमारा प्रबंध हुआ। उसके बाद में जब आपने प्रबंध करने के बाद में फसलों का उत्पादन लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका फसल उत्पादन है, ये आपका फसल उत्पादन है, लेकिन ये उत्पादन आपने कैसे लिया, ये उत्पादन आपने कैसे लिया? क्षेत्र का प्रबंधन किया, फसलों उत्पादन लिया, लेकिन कैसे किया? वैज्ञानिकी तरीके से किया, एक सोच समझ के किया, तरीके से किया, सिस्टम से किया। देखिए बस इसी बात को आप याद रखिएगा कि आपने जो काम किया वो सिस्टम के साथ किया, वैज्ञानिक ढंग के साथ किया, तो बस हमने इसी को एग्रोनॉमी कहा। तो आप याद रखिएगा क्षेत्र का प्रबंधन करने से, क्षेत्र का प्रबंधन करने के साथ में फसलों उत्पादन करना कैसे करना, वैज्ञानिक तरीकों से करना, बस यही हमारा कहलाता है एग्रोनॉमी, बस यही हमारा कहलाता है एग्रोनॉमी। उम्मीद है आप लोग डेफिनेशन को ना याद करके सिर्फ फोटोज को एक बार देखेंगे और आपके अंदर से डेफिनेशन निकलना शुरू हो जाएगी। और आप याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की, तो आप याद रखिएगा जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें कल्चर लगा होता है वो हमारे लैटिन वर्ड होते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है या फिर मेरे मुंह से भी कोई बात गलत निकल जाती है, तो देखिए हम भी इंसान है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने में, क्योंकि अभी नया नया हमारा जुड़ना हुआ है साथ में। खैर चीजों को देखते जाइएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की, तो आप एक बात और याद रखिएगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी हम कहते हैं, किसे कहते हैं? पीटर डे किसन जी को कहते हैं। और उन्हीं की सबसे एक पहली बुक आई थी जिसका नाम ओपस रूरालियम कामो ड्यूरम था, जिसमें कि हमारी क्रियाएं थी, कैसी क्रियाएं थी, किस तरीके से भूमि में हम उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं, कैसे किस टाइम पे फसल को बोएं, किस टाइम पे कटाई करें, किस टाइम पे उसमें खाद लगाएं, किस टाइम पे उसमें पानी लगाएं, यही सारी क्रियाएं उसमें लिखी हुई थी, जो कि एग्रीकल्चर की पहली बुक थी। किसके द्वारा लिखी गई थी दिखाता हूं आपको, देखिए आप देख रहे होंगे ये हमारे फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, ये हमारे फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, जिनका नाम पीटर डे क्रिसन जी है। और इन्हीं की सबसे पहली बुक आई थी जिसका नाम ओपस रूरालियम कामो ड्यूरम था। तो आप याद रखिएगा इनकी जो बुक है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किसकी बुक थी और किसने लिखी थी। तो आप याद रखिएगा हमारे जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है, जिनका नाम पीटर डे क्रिसन जी है, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। आप लोग प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। और आप लोग प्लीज अपनी कमेंट करते रहिए, जिससे होता क्या है ना, हमें लगता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप लोग हमसे बात नहीं करते तो हमारा मोटिवेशन एकदम जीरो लेवल का रहता है, लेकिन आप जब हमें कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ सामने हमें कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। तो प्लीज कमेंट करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से आंसर देते रहिए। और एक बार सब लोग लाइक करें वीडियो को, उसके साथ में एक बार बना के भेजिए थंब कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप ये यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं, लिखिए, देखता हूं मैं आपकी कमेंट्स को। उसके बाद में हम बात करते रहेंगे आगे। जैसा कि मैंने बताया, अब जब हम बात कर रहे थे कृषि के विकास की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, तो आप याद रखिएगा कुछ हमारी ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जिनका बहुत बड़ा योगदान है कृषि विज्ञान के उत्थान में या फिर कृषि विज्ञान के विकास में। तो आप याद रखिएगा फंटेसी क्रिकेट, अरे भाई नाइस भाई बोल रहे हो, थैंक यू, चीजों को समझिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कृषि विकास में दो तीन ऐसी संस्थाएं हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, तो आप उसको भी देखिए एक बार मेरे साथ। देखिए
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कृषि के दो महत्वपूर्ण अनुसंधान की, तो आप याद रखिएगा दो हमारे ऐसे अनुसंधान संस्थान हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय कृषि के विकास में, जिसमें पहला हमारा IARI है और दूसरा हमारा ICAR है। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ICAR की अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब हम अगर दो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं IARI का। हो सकता है मैंने आपको उस दिन बताया हो, लेकिन एक बार चीजों को आप फिर से मेरे साथ देख लीजिएगा। भले ही क्लास हमारी लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी बात मेरे पास तक आनी चाहिए और आप मेरी बातों को समझ पाए, बस मेरा आपको पढ़ाना, हमारा यहाँ पे बात करना सफल हो जाएगा। बस यही एक प्रमाण है हम लोगों के बात होने का और हम लोगों के साथ में जुड़ने का। आपको बात मेरी समझ में आ जाए और मैं आपको समझा पाऊं, आप इन चीजों को समझ लें और ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा ना हो कि मैं आपको बता के चला जाऊं उसके बाद आप बिल्कुल सब भूल जाए। इसीलिए मैं कहता हूं PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धीरे धीरे आप चीजों को बस देखते रहिए, एक बार जुड़िए तो मेरे साथ में, शांति से रहिए, सुकून से एकदम पढ़ते जाइए। कोई टेंशन नहीं है यार, बहुत टेंशन ले चुके। नौकरी ना मिली तो कोई बात नहीं, अब मिलेगी। नहीं मिली तो अब मिलेगी यार। डूब रहा हो जिसको उसे तिनके का सहारा, और तैरना तुमको पड़ेगा गर जो चाहो तुम किनारा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बात को समझना। डूब रहा हो जिसको उसे तिनके का सहारा, और तैरना तुमको पड़ेगा गर जो चाहो तुम किनारा, और लगे निशाने पे जो तीर बदलेगी तो ही तकदीर। आप इस बात को याद रखिएगा, हमेशा इसी पथ पे चले आप, कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे, तो चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, हर काम आपका सफल होगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। खैर, बात कर लेते हैं आगे IARI की। देखिए IARI के बारे में देखते हैं। आप लोग जानते हैं यार कि हमारे यहाँ तो अंग्रेजों का शासन था। जब भैया अंग्रेजों का शासन था तो वो नाम ही अपने हिसाब से रखा करते थे। हमारी बात तो मानेंगे नहीं कि भैया इंडियन कर दो, ये ना रखो वो ना रखो, वो तो अपने हिसाब से रखेंगे। काहे कि भैया हमारे ऊपर राज करके गए हैं, कई साल करके गए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, राज करके गए सो गए, लेकिन तुम जब चले जाओगे तब तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे ना भाई। अगर हम पे कोई राज कर रहा है, चलो हमने माना हम पे मुगलों का भी शासक था, सब किसी का शासक हम पे रहा, लेकिन अब तो तुम चले गए ना, अब तो हम काम अपने हिसाब से करेंगे। खैर, जब यहाँ पे शासन था अंग्रेजों का, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन की जगह ना करके इंपीरियल नाम से इसको शुरू किया था। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद में हमने इसको इंडियन कर दिया था। हम पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे, दोबारा रिविजन कर लेते हैं। देखिए आप इसको देखिए, दो हमारे संस्थान है, जिसमें एक हमारा है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि IARI है। तो इसकी सर्वप्रथम जो स्थापना है वो बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पर लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पे हुई थी। किसकी सिफारिश पे? लॉर्ड कर्जन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप लोग कहीं ये ना सोच रहे हो यार कि सर तो यार पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, पढ़ा रहे हैं फलाना ढमाका पढ़ा रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चर की जब बात करेंगे ना तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। चीजों को अगर सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ते जाएं तो ऐसा नहीं कि चीजें एकदम बहुत परफेक्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे शुरुआत से साथ में चलिए, तभी फायदा निकलेगा चीजों का। और एकमात्र पर्पज आपका ये एग्जाम क्वालिफाई MP वाला करवाना नहीं है यार। ये बात मत समझा करो कि बस वो एग्जाम के लिए पढ़ने टॉपिक वाइज काम हो जाएगा। एक बार चीजों को अच्छे समझ लिया ना तो एग्रीकल्चर का बता रहा हूं कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, चाहे वो TGT का हो, चाहे PGT का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो। खैर देख लेते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पे बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के तट पर, याद रखिएगा इस बात को। और इसका जो नया नाम है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसका जो नया नाम है इंडियन कब किया गया होगा, जाहिर सी बात है इसका जो नाम है वो किया गया होगा 1947 के बाद में, यानी कि भारत देश की आजादी के बाद में। हाँ भैया आगे देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, और एग्रीकल्चर के तो सारे ज्ञानी भाई बैठे हैं हमारे सामने, सुनील भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी ना मेरे भाई। देखिए अब अगर इसकी स्थापना की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया 1905 में बिहार में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हो गई। उसके बाद में इसकी स्थापना हुई कैसे, इसको भी जान लीजिए। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, एक तरीका बता रहा हूं याद रखने का। देखिए ये लिखा हुआ है पूसा। जैसा कि बताया आपको, बिहार में भी एक पूसा नामक जगह थी जहां पे इसकी स्थापना की गई थी। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि
आप पी को कर दें अलग, पी को कर दें अलग, यूएसए आप लिखा रहने दीजिए। यूएसए का मतलब हो गया अमेरिका, भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही तो बोलते हैं ना यूएसए को। यूएसए हमारा हो गया अमेरिका, और यहां पे लिखा हुआ है पूसा, और जब स्थापना हुई थी इसकी तो बिहार में ही हुई थी, पूसा नामक जगह पे। तो अब क्या हुआ, जब इसकी स्थापना हुई तो एक हमारे कौन थे, आर्थिक सहयोगी थे, कहां के थे, यूएसए के थे, जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं। और मैंने कहा यूएसए में से पी को आप अलग कर दीजिए, तो उनका नाम था हेनरी फिलिप, उनका नाम था हेनरी फिलिप। नहीं बात समझ में आई, नहीं आया, फिर से रिपीट कर देते हैं यार एक बार। देखो हम अगर बात करें, सब कुछ लिखा भूल जाओ यार, हमारी बातों को सुनो, कभी कभी हमारी भी सुन लिया करो, बहुत काम की बातें करते हैं हम जब मूड में होते हैं तो। देखो सब कुछ भूल जाओ यार, याद रखो पूसा लिखा हुआ याद रखो भाई, पी को कर दो अलग, पी को कर दिया अलग। अब बचा यूएसए, तो साइंटिस्ट कहां के थे भैया, ये थे अमेरिका के, साइंटिस्ट कहां के थे, अमेरिका थे। लेकिन अगर हम पी को पकड़ लें तो आप याद रखिएगा हेनरी फिलिप एक ऐसा व्यक्ति था यूएसए यानी कि अमेरिका का, जिसने 30,000 डॉलर का सहयोग दिया था भारतवर्ष को, किस लिए, आईएआरआई की स्थापना के लिए, आईएआरआई की स्थापना के लिए। उम्मीद है आप लोग बात को समझ गए होंगे, और इसका जो नामकरण है वो हो गया था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1911 में हुआ था। हेनरी फिलिप को भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं, ये बेसिक है। और जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो टॉपिक की बात करेंगे, जो कि आपका एमपी के एग्जाम वाला टॉपिक है, कृषि विस्तार अधिकारी वाला, उसके टॉपिक की बात कर लेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। बात कर लेते हैं आगे, अब बात हम अभी आईएआरआई की करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसकी हिस्ट्री बनी। हुआ क्या, इसकी स्थापना तो हो गई 1905 में, और इसका नामकरण भी हो गया 1911 में, लेकिन 1934 में एक भूकंप आया बिहार में। भूकंप आने के कारण इसकी बिल्डिंग जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, और क्षतिग्रस्त होने के कारण इसको क्या किया, इसको स्थानांतरण किया गया, यानी कि शिफ्ट किया गया 1936 में। इसको शिफ्ट किया गया, कहां शिफ्ट किया गया, पूसा न्यू दिल्ली में इसे स्थानांतरण यानी कि शिफ्ट किया गया। और 1936 में इसे शिफ्ट करने के बाद में इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर यानी कि डॉक्टर बी विश्वनाथ को बनाया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष थे बी विश्वनाथ थे, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि भारत देश की आजादी के बाद में इसका जो नाम था इंपीरियल के नाम में परिवर्तन, इंपीरियल को जो हटा के इंडियन के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था, इंपीरियल से इंडियन इसे कर दिया गया था, इंडियन कर दिया गया था। और 1958 में आईएआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। कब दिया गया था याद रखिएगा, 1958 में, 1958 में दिया गया था। जो दर्जा कौन देता है, यूजीसी देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो ये तो हो गई अब आईएआरआई की बातें, बहुत बात हो गई, उम्मीद है आप लोगों को याद भी हो गया होगा। भैया बात समझ में आई है कि नहीं, एक बार मैसेज तो कमेंट में तो कर दो कम से कम, क्या कर रहे हो आप लोग, कम से कम हाँ या ना तो बोलो, अरे कुछ तो बोल दिया करो भाई, थोड़ा बहुत तो यूज करो हाथों का। चलो हाँ ऐसे बात कर लेते हैं आगे, आईएआरआई की तो बात कर चुके भाई, अब बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान है भारतीय कृषि के विकास में या फिर भारतीय कृषि में, उसका नाम है ICAR, आप देख रहे होंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तन्नू चौधरी, यस सर, हाँ जी बिल्कुल सर, देखते जाइए। अब देखिए इस फोटो को, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है ICAR की बिल्डिंग, बढ़िया सी बिल्डिंग है, बड़ा पैसा लगाया बनाने में, एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो अब क्या हुआ, इसकी स्थापना 1926 में
कर दी गई थी, लेकिन कैसे की गई थी? उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल था। उस समय सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब आईसीआर की स्थापना हुई तो किसका शासनकाल था, कौन हमारा वायसराय था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो हमारा वायसराय था, यानी कि उसका शासनकाल था। और रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया था उसने, कब किया था, 1926 में किया था। उसके बाद में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश से इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यानी कि एक्ट 1860 के तहत इसकी स्थापना कर दी गई, इसकी स्थापना कर दी गई। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं भाई, सीधे सीधे आप आइए कि उस समय वायसराय कौन था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड लिन लिथिगो, लॉर्ड लिन लिथिगो। दूसरी बात अगर आपसे करे कि शासनकाल जो था उस समय जो सन था यानी कि जो ईयर था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन जो हुआ किस सन में हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1926 में। 1926 की बात यहाँ पे हो रही है, और उसकी बात होने के बाद में आप देखिए 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कब, 16 जुलाई 1929 में रॉयल कमीशन की सिफारिश से यहां पे देखती जाइए रॉयल कमीशन की सिफारिश यानी कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश बात एक ही है, तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सोसाइटी पंजीकरण यानी कि अधिनियम एक्ट जो हमारा कौन सा था, एक्ट हमारा कौन सा था, देख लीजिए एक्ट कौन सा था, याद रखिएगा 1860 यानी कि 1860 के तहत इसकी स्थापना कर दी गई, और कब की गई, 16 जुलाई 1929 में स्थापना कर दी गई। उम्मीद है आप लोग बात को समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं आगे, देखिए अब क्या हुआ इसके बारे में और आगे बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जब हो गई, तो जब इसकी स्थापना होगी यार, तो 1929 की बात हो रही है, भारत देश तो आजाद हुआ है 1947 में भाई, है कि नहीं, तो वो अपने मन का काम करेंगे, अंग्रेजों का शासन था तो इंडियन ना करके उन्होंने इंपीरियल कर दिया था, लेकिन हमने उसे इंडियन कब किया भाई, हम लोग भी बहुत कलाकार हैं, कहे कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, कलाकारी तो अंदर अंदर भरी है हमारे। तो हुआ क्या, मार्च 1946 ईस्वी में सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब हमारा इंपीरियल को इंडियन कर दिया गया, तो आप याद रखिएगा कब किया गया, 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को हटा के इंडियन में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद में 1947 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका नाम कर दिया गया आजादी के बाद में, और जब नाम कर दिया गया तो 1965 में डॉक्टर बीपी पाल, जिनका फोटो आप देख रहे होंगे, और इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत तलाकारी होती है, कभी कभी पूरा नाम ही पूछ देते हैं क्वेश्चन ना पूछ के। एक बार मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था, ये नहीं कोई और क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था कि मैं जब एग्जाम कर रहा था तो उसमें क्या था, फुल फॉर्म लिख के दे दी थी बी एन राव की, शायद मुझे उसकी फुल फॉर्म याद नहीं थी, और वहां पे फुल फॉर्म दे रहा था तो मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया था। खैर बात कर लेते हैं, यहाँ से हटके बात नहीं करेंगे, वरना बातें करने को तो यार बहुत आगे चले जाएंगे हम लोग। आइए लौट के दोबारा वापस यहाँ पे, तो जैसा कि आपको बताया 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल से इसको इंडियन करने का निर्णय लिया गया, सिर्फ निर्णय लिया गया, लेकिन भारत की आजादी के बाद यानी कि 1947 में हमने इसे क्या कहा, इंपीरियल से इंडियन कहा।
हमने इसे इंपीरियल से इंडियन कहा। याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अगर आपने मुझसे पढ़ा है या मेरे द्वारा सीखा है तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं आगे, जैसा कि 1965 में यानी कि 1965 में इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। कौन? डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल प्रथम आईसीआर के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए, याद रखिएगा इस बात को। और उन्होंने ही, डॉक्टर बीपी पाल के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं चलाई थी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो यार एक दो काम क्यों ना देख ले। यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लें। डॉक्टर बीपी पाल ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, देख लेते हैं एक बार। शुभम शर्मा थैंक यू, सुपर लाइन सर। कौन सी लाइनें पसंद आ गई सर आपको? एक एक लाइन पसंद आएगी, बस साथ में बने तो रहिए, चीजों को धीरे धीरे सीखते रहिए, उसके बाद में जब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा ना, तब मजा आएगा कि हाँ, तब कहना सर एक एक लाइन सही थी, एक एक बात सब थी, एक एक बात सही थी, एक एक शब्द सही था। अभी तो बस शुरुआत है हम लोगों की, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ये लेवल उठ के यहां से उठ के देखिए यहां पहुंचेगा, तब आप लोगों को बात समझ में आएगी। खैर बात कर लेते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीपी पाल ने क्या किया, बीपी पाल को इसका प्रथम डीजी नियुक्त कर दिया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जिंदगी में। और इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बीपी पाल ने एक परियोजना चलाई, यानी कि एक परियोजना थी, तो आप याद रखिएगा भारतीय समन्वयन अनुसंधान परियोजना इन्हीं ने चलाई थी, जिसको हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि AICRP के नाम से जानते हैं, AICRP के नाम से जानते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट किसने चलाया, डॉक्टर बीपी पाल ने चलाया, जिनका पूरा नाम बेंजामिन पेरे पाल है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आगे। अब भाई इतनी बात तो हमने कर ली 1965 तक, लेकिन 1965 के बाद में भी एक काम हुआ, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 1965 के बाद में 1973 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी कि DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन कभी कभी क्या होता है, आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछी जाए तो क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए, क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। देखिए 1973 यानी कि 1973 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसे हम DARE के नाम से जानते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन काम करता है। फिर से देखिए एक बार भाई, 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन की स्थापना हो गई, विभाग की स्थापना होगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन काम करता है। कभी कभी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, देखिए समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है किसके अधीन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन है। उसके बाद में 1973 में ही कृषि अनुसंधान सेवा यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की प्रारंभ यानी कि स्थापना की गई थी और उसको प्रारंभ किया गया था। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि अनुसंधान सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो आप याद रखिएगा 1973 में, और 1973 में ही हमारी एक विभाग की स्थापना होती है जिसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन है, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन, काम करता है किसके अधीन, जो कि आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। चीजों को एक बार फिर से आप पलट के देखते रहिएगा, अगर आपके समझ में कोई बात नहीं आती है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और फिर देख लीजिएगा, अगर नहीं आती तो आप उसको कमेंट में मेंशन करिएगा। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है, जितने भी सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो हर बात समझ रहे होंगे मेरी और उनको एक एक बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो मेरे दोस्त उसमें यस लिख दो या फिर हाँ लिख दो या फिर थंब बना के भेज दो, मुझे भी समझ में आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम और आगे की, तो देखिए
अब अगर और आगे बात करें तो हम कहां तक आ चुके थे, 1973 तक आ चुके थे, लेकिन 1973 के बाद में जो काम और हुए उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए अब 1975 में स्थापना हुई एएसआरवी, और जो लोग पीजी किए हुए हैं उनका तो एग्जाम भी लगा है भाई अभी इसी में, क्योंकि एएसआरवी ही है क्या बोलते हैं एएसआरवी को, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, और यही पेपर करवाती है नेट का, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप लोगों का अभी ये पेपर जो लोग पीजी किए हुए हैं वो लोग सब जानते होंगे, सबकी जुबान पर रटा हुआ होगा कि एएसआरवी कुछ होता है, और यही हमारा कंडक्ट करवाता है एग्जाम। काहे का एग्जाम कंडक्ट करवाता है भैया, ये हमारा एग्जाम करवाता है कंडक्ट नेट का, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पूरा सिस्टम रहता है वो ICAR के अंडर रहता है, ASRB के अंडर रहता है, बाकी जो हमारा जनरल नेट होता है वो हमारा करवाती है दूसरी संस्थाएं, लेकिन जो यहाँ पे नेट करवाती है उसका नाम है संस्था का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। अब बात कर लेते हैं 1975 में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी कि ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की स्थापना 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन किस समिति के अधीन यानी कि किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो आप याद रखिएगा गडकर समिति जो हमारी थी, तो गडकर समिति के सिफारिश पे स्वतंत्र भर्ती बोर्ड एजेंसी के रूप में की गई थी, इसे हम स्वतंत्र भर्ती बोर्ड एजेंसी के भी नाम से जानते थे, जो कि हमारा ASRVI था। और अब बात कर लेते हैं ICAR के कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप बात करें ICAR के अध्यक्ष की, अब समझने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा ये भी चीजें समझने रटने वाली नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे फर्स्ट DG ऑफ ICAR पूछे तो आप बताएंगे डॉक्टर BP पाल थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ICAR के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप याद रखिएगा हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं भारत के, जो कि प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो ये हमारे अध्यक्ष हैं ICAR के, ये हमारे अध्यक्ष हैं ICAR के, तो आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि ICAR के महानिर्देशक कौन होते हैं, तो आप याद रखिएगा जैसे कि मैंने बताया आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव, वही हमारे कौन होते हैं, और वो कौन थे सबसे पहले, तो आइए याद रखिएगा ICAR के प्रथम अध्यक्ष खान बहादुर खान सर थे, जिनका पूरा नाम खान बहादुर खान सर मोहम्मद हबीबुल्ला है, जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा, तो आप याद रखिएगा। और ICAR के अगर प्रथम सचिव की बात करें, तो आप याद रखिएगा एच ए हिदारी इसके प्रथम सचिव थे। अगर आपसे पूछेगा कि ICAR के अध्यक्ष कौन, तो बताएंगे हमारे प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में, ऐसा नहीं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ही रहेंगे, वर्तमान समय में जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे भारत के, वही हमारे अध्यक्ष होंगे ICAR के। और महानिर्देशक की अगर बात करें, तो मैंने आपको बताया कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के जो सचिव होंगे वो हमारे ICAR के अध्यक्ष होंगे। और अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें, तो आप याद रखिएगा खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला जी थे। और अगर ICAR के प्रथम सचिव की बात, अध्यक्ष की बात ना करके सचिव की बात करें, तो एच ए हिदारी जी थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें, तो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला जी थे। उसके बाद में ICAR के प्रथम जो DG थे, महानिर्देशक थे, वो डॉक्टर बीपी पाल बनाए गए थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, पीछे हमने इस चीज को पढ़ लिया है। अब और हम बात कर लेते हैं आगे, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है, एक बार बोलोगे यस सर ना लिख के सिर्फ हाँ लिख दें, मुझे समझ में आ जाएगा कि लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जितने भी लोग लाइव हैं एक बार हाँ लिख दीजिए।
बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी और आगे। अब हम लोग बात करते जा रहे हैं तो आप एक बात और याद रखिएगा कि 1901 से लेकर 1905 तक हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ 6 और कृषि विश्वविद्यालय यानी कि कृषि के लिए जो कॉलेज थे उनकी स्थापना हुई, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालय की, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको संस्थान बता चुका, ICAR बताया आपको, IARI बताया, अभी मैं आपको NABARD भी बताऊंगा, आत्मा भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने बेसिक से चीज़ों को उठाया है, तो धीरे धीरे स्तर चलते जाइए, चीज़ों को धीरे धीरे समझते जाइए, यही उम्मीद करते हैं आपसे। बात कर लेते हैं कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालय की, तो इसके बाद में 1901 से लेकर 1905 के दौरान भारत में 6 और कृषि कॉलेज बनाए गए, जिसमें एक हमारा पूना था, दूसरा हमारा कौन सा था, एक पूना हो गया, दूसरा कानपुर था, तीसरा सौबोर, चौथा नागपुर, पांचवा लायलपुर तथा कोयम्बटूर, इसके हमारे जो थे वो स्थापित किए गए थे। तो आप याद रखिएगा कानपुर, सावर, उसके बाद में लायलपुर, अभी जो पाकिस्तान में है लेकिन कभी ये हिंदुस्तान में हुआ करता था, लायलपुर, उसके बाद में कोयम्बटूर, अब कौन कौन से हो गए देखिए, पूना हो गया, कानपुर हो गया, साबौर हो गया, नागपुर हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, लायलपुर हो गया, जो कि पाकिस्तान में था उस समय, पाकिस्तान में है जो अभी, और उसके बाद में कोयम्बटूर हो गया। और इसी के साथ में एक बात और याद रखिएगा, जो आप ये साबौर जगह देख रहे हैं, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर की यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्वप्रथम पढ़ाई बिहार के, यानी कि हमारी जो जगह है ये बिहार में है, ये जगह बिहार में है, और एक्सटेंशन एजुकेशन की यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सबसे पहली क्लास, सबसे पहले पढ़ाई यहीं पे हुई थी। अनूप वर्मा जी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे हो सर, तो मैं अच्छा हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए मेरे साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 हमारे जो कृषि और जो विश्व कृषि जो विद्यालय थे, जिसमें हमारा एक पूना है, कानपुर है, साबौर जो कि बिहार में है, लायलपुर जो कि पाकिस्तान में है, कोयम्बटूर और नागपुर महाराष्ट्र, यानी कि हमारे जो 6 थे, तो आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन आपको देगा और आपसे पूछ लेगा, फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे स्थापना नहीं हुई थी, किसकी स्थापना नहीं हुई थी, जो हमारे कृषि कॉलेज थे, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं और आगे। अब जब हम बात कर रहे हैं कृषि कॉलेजों की, कृषि विश्वविद्यालयों की, तो हम कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, जब हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, तो आप याद रखिएगा हमारी एग्रीकल्चर की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो थी, कौन सी थी आपको पता होगा, जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड से पहले वो कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी। 9 नवंबर सन 2000 में हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही एक जगह कट जाती है जिसका नाम उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड है, लेकिन पहले ये कहाँ था, पहले ये यूपी में ही था, तो इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बात कर ली कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालयों की, तो आप याद रखिएगा 5-6 तो हमने यहाँ पे बात कर ली, लेकिन उसके बाद में जब विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग, यानी कि प्रथम शिक्षा आयोग 1949 में तथा इंडो अमेरिकन टीम, यानी कि इंडो अमेरिका टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में उत्तराखंड में पंतनगर, यानी कि उत्तराखंड में जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है पंतनगर, वहां हुई थी, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 नवंबर 2000 को यूपी से कटकर अलग हो गया,
तो अब ये जगह कहाँ हो गई, अब ये जगह हमारी हो गई उत्तराखंड में, जिसे हम उत्तरांचल के नाम से भी जानते थे, जिसे हम उत्तरांचल के नाम से भी जानते थे। और उस समय यूपी के जो सीएम थे वो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये गोविंद वल्लभ पंत जी हैं और ये हमारे एस राधा कृष्णन जी हैं, ये हमारे राधा कृष्णन जी हैं, राधा कृष्णन जी हैं। आप लोग चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखते रहिए, जिससे कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा फिर से देख लेते हैं। देखिए, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग बना, जो कि 1949 में बना था। इंडो अमेरिका टीम के सुझाव पर, दोनों ने मिलकर इनकी जो टीम थी उसके सुझाव पर प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और उस समय हमारे सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्स्ट जो सीएम थे वो थे कौन, गोविंद वल्लभ पंत जी। और इन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि यूपी में हुई, लेकिन 9 नवंबर 2000 को एक जगह यूपी से कट जाती है जिसका नाम उत्तरांचल या उत्तराखंड होता है। तो आज ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो आप याद रखिएगा इस बात को। और इसकी स्थापना 1960 यानी कि 1960 में हो गई थी, 1960 में हो गई थी। बात कर लेते हैं आगे। अब कभी कभी होता है क्या है ना, रिपोर्ट जो हमारी आती है, रिपोर्ट जो आती है उनके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप याद रखिएगा 2015 की हमारी एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा इम्फाल, मतलब अगर टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो हमारे पास 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, लेकिन भारत में 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है प्रेजेंट टाइम में। भारत में 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। कब कैसे पता चली ये बात, जनवरी 2015 की एक रिपोर्ट थी उसके अनुसार हम लोग अगर बात कर रहे हैं। देखिए रिपोर्टें चेंज होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपसे अगर बता दिया यहाँ पे तो ऐसा ही हो सकता है रिपोर्ट चेंज हो गई हो। फिलहाल जहां तक हमें चीजों का ज्ञान है तो हम आपको बता रहे हैं कि 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है जो कि जनवरी 2015 के अनुसार है, तथा एक हमारा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो सबसे पहला है वो इम्फाल मणिपुर में है। इसके साथ ही 3 हमारे पास केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें एक हमारा केंद्रीय कृषि विद्यालय मणिपुर इम्फाल वाला हो गया, एक झांसी की रानी, जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही चीजों को पकड़िए, जैसा कि आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारे झांसी उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी के नाम का यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में है, पूसा समस्तीपुर बिहार में है। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में 3 कृषि विश्वविद्यालय, तो एक हमारा केंद्रीय कृषि विद्यालय हो गया इम्फाल मणिपुर में, दूसरा झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई हो गया, कहाँ हो गया, झांसी में हो गया, और तीसरे की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारा पूसा समस्तीपुर बिहार में है। बात कर लेते हैं आगे। और इसके साथ ही अब देखिए एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं जो कि डीम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कृषि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की। तो आप याद रखिएगा इसके साथ ही IARI, NDRI, VRI, IVRI, ICAR और CIFE तथा IAAI यानी कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान हुआ। अगर हम इसके फुल फॉर्म के बारे में जाते हैं तो एक बार देख लीजिए IARI, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसके फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और NDRI की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि करनाल हरियाणा में है, क्योंकि कभी कभी आपको इंस्टीट्यूट दे देता है और इंस्टीट्यूट देने के बाद में आपसे पूछ लेता है ये संस्थान हमारा कहाँ है, और उसके बाद में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो आप याद रखिएगा अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे NDRI की तो आप याद रखिएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल हरियाणा में है। उसके बाद में अगर हम बात करें IVRI की तो आप याद रखिएगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर बरेली में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा IARI है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो कि आप देख रहे हैं करनाल हरियाणा में है। और उसके बाद में अगर हम बात करें IVRI की तो आप याद रखिएगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा इज्जत नगर बरेली में है। हाँ जी राजवीर गंगवार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप याद रखिएगा कहाँ है ये, इज्जत नगर बरेली में है, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा।
उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, अभी हमारे कुछ और भी जगह बची हैं, तो अगर ICAR की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है, जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि हम इसके बारे में अभी बात कर चुके थे। और उसके बाद में अगर बात करें CIFE की, जिसका फुल फॉर्म होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कि कहाँ है, मुंबई में है। उसके बाद में जब आपसे बात करें IAAI की, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ, प्रयागराज में है। और प्रयागराज को हम अब बोलते हैं, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो आप याद रखिएगा, इनकी आपसे अगर कभी भी फुल फॉर्म पूछे तो आपका कभी फुल फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा ICAR है और आप देख रहे होंगे ये हमारा AAI है। उसके बाद में अगर बात करें CIFE की, जो कि एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके लिए, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो कि कहाँ है, मुंबई में है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं और आगे, तो एक बात आप और याद रखिएगा, भारतीय समाज में, भारत में जो हमारा विकास हुआ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था भारत के कृषि विकास में। तो उनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं IRRI, जिसका फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो हम इसे बोलते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, मनीला में है। और मनीला कहाँ है, फिलीपींस में है। पिछली बार के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब थी, तो आप याद रखिएगा 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट हमारा और है, जिसे हम सिमिट के नाम से जानते हैं, जहां पे हमारी वैरायटियों को, हमारी जो भी वैरायटियां होती हैं, उन्हें जेनेटिक मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि उन्हें उन्नतशील बना दिया जाता है। तो एक संस्था और याद रखिएगा सिमिट, जिसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार करना, यानी कि सुधार करना। तो आप याद रखिएगा इस इंस्टीट्यूट को, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सिमिट है। और अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दे, IRRI की, तो आप याद रखिएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा कहाँ है, फिलीपींस मनीला में है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद में हम आपसे जब कल बात करेंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन की भी बात करेंगे। उसके बाद में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसे देख के आपको मजा आ जाएगा और आप समझेंगे कि हाँ, किस लेवल की हमारी क्लासेस हो रही हैं। इसके साथ में आप लोगों से बस यही कामना करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी अच्छी बात यहाँ पे जो हम कर लेते हैं, किस बारे में, क्वेश्चन के बारे में, वो सारे क्वेश्चन आपके कम्प्लीट होते रहें। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। समझदारी से काम लेते रहिए, समझते हमारे साथ जुड़े रहिए, और पढ़ने का तरीका हमारा यही रहेगा, पिक्स हम लगा देंगे और आपका रिवीजन ऐसे ही माइंड में करवा देंगे, थीम आपके दिमाग में बनी रहेगी, जिससे आप चीजों को भूलेंगे नहीं। और इसके बाद में हम मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, बहुत जल्दी। तो सबको मेरा जय हिंद, नमस्कार।